हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। मैं मनीष कुमार, आपका टीचर टीटी। मैं पढ़ाता हूँ आपको और यूट्यूब से आज मेरा ये तीसरा सेशन है, ठीक है। तो ये स्पेशली क्लास है और अब जो स्पेशल क्लास आएगा आपका यूट्यूब पे जो भी, वो सारा स्टेट और यूपीटेट दोनों के लिए रहेगा। स्टेट यानी कि बिहार स्टेट के लिए, यूपीटेट यूपी वाले के लिए ही हो गया, और इससे रिलेटेड जितना भी आपका टीटी का है उससे रिलेटेड सारा क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो आज जो मैं लाया हूँ वो है आपका साइंस से रिलेटेड। साइंस इम्पॉर्टेंट है आपका दोनों के लिए, स्टेट के लिए और यूपीटेट दोनों के लिए, ठीक है। तो अराउंड 20 से 30 मिनट का सेशन होगा, तो इसको आप लोग ज़रूर से देखें, मुझे फॉलो कीजिए उस पर यूट्यूब पे, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए, ठीक है। ये तो मेरा ऐसे रेफरल कोड है अन अकेडमी पे, मनीष कुमार -1736। आप वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं सेशन को। तो फिलहाल अभी मेरा वहाँ पे भी सेशन नहीं चल रहा है, बट यूट्यूब पे है, तो आप यूट्यूब से देखिए। और ऐसे ही मैं आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डेली बेसिस पे लाता रहूँगा, और एक दिन दो दिन पे मैं लाइव भी आऊँगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपना लाइव देखिए, ठीक है, लाइव भी देखें और इसे भी देखें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये कंप्लीट सेशन आपका हिंदी में ही रहेगा। और आज का जो सेशन है ये आपका साइंस का है, और साइंस से ही रिलेटेड सारा चीज़ इसमें होगा। थोड़ा बहुत बायोलॉजी होगा, थोड़ा सा मतलब जनरल साइंस का आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ मैं आंसर भी बोलूँगा आपको। तो क्या कह रहा है कि सोडियम और पोटाशियम धातु जो बहुत अभिक्रियाशील होती है कहाँ रखी जाती है? पोटासियम और सोडियम काफ़ी अभिक्रियाशील होती है, अगर इसको बाहर में आप रखते हैं तो वो क्या कर सकता है, रिएक्शन कर सकता है, इसीलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, ठीक है। काफ़ी फेमस है ये क्वेश्चन। धमनियों का मुख्य कार्य क्या होता है? धमनी में जो ऑक्सीजन ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो मूव करता है वो क्या करता है, धमनी मतलब ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करता है। तो उसमें क्या रहता है, ऑक्सीजन रहता है उस ब्लड में। तो यही लिखा गया है कि ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है यानी रक्त है उसको हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों में ले जाना होता है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है क्या कहलाती है? ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर यानी कि भूमि से समुद्र की ओर, ठीक है, तो वो कहलाएगा थल समीर। और जो समुद्र से भूमि की ओर चलेगा हवा उसको कहा जाएगा जल समीर, ठीक है, उसी का अपोजिट कर दीजिए। कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? कौन से ग्रह पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं? वो शुक्र और अरुण ग्रह है। एक बल्ब में एक पतला तार होता है जो जलता है, जब उसमें धारा का प्रवाह होता है तो इसे कहते हैं क्या? फिलामेंट, ठीक है। जो बल्ब जलता है उसमें जो आप देखते हैं पतला सा तार जो कि टंगस्टन का बना हुआ होता है, और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि उसकी जो चमक होती है काफ़ी ज़्यादा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, फिलामेंट। वह लघुत्तम समय, ठीक है, वह लघुत्तम समय अंतराल जिसमें सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है, तो क्या बोलेंगे, एक सेकंड, यानी कि लघुत्तम समय अंतराल, ठीक है, लघुत्तम यानी कि छोटा सा समय अंतराल जिसको सामान्य रूप से उपलब्ध घड़ियों से मापा जा सकता है वो एक सेकंड है। पेरीस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? पेरीस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है आपका? समतल दर्पण में। पेरीस्कोप में किस दर्पण का प्रयोग होता है? समतल दर्पण का। अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, ठीक है, जो पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन जा सकते हैं, नहीं पूछे ही जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आप जो है इसको जरूर से पढ़ें और जरूर से देखें। घास में मौजूद एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट जिसे मानव द्वारा पचाया नहीं जा सकता क्या कहलाता है? वो सेल्यूलोज। घास में जो मौजूद होता है एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, घास में, और जिसे कि अगर हम लोग खा लें यानी कि मानव खाए तो वो लोग नहीं पचा, लेकिन जानवर इसे पचा लेते हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है? वो सेल्यूलोज कहलाता है। मौसम के पूर्वानुमान हेतु, ठीक है, मौसम के पूर्वानुमान हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? इसका नाम है आपका अधिकतम न्यूनतम तापमापी का। किसका प्रयोग करते हैं मौसम के पूर्वानुमान की जानकारी के लिए? अधिकतम और न्यूनतम तापमापी का, ठीक है, अधिकतम तापमापी और न्यूनतम तापमापी का।
सूरज की ऊष्मा हम तक इस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, किस प्रक्रिया के द्वारा पहुंचती है, विकिरण के द्वारा, ठीक है, विकिरण के द्वारा परावर्तित होते हुए सूरज की ऊष्मा हम तक किस प्रक्रिया से पहुंचती है, आपका विकिरण के द्वारा। फूलों और गाड़ियों के निर्माण में, सॉरी फूल नहीं, फूलों फूलों और गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती देने के लिए जिंक की कोटिंग की जाती है, ठीक है, फूलों और गाड़ियों के निर्माण इस्तेमाल होने वाले लोहे को मजबूती, ठीक है, मजबूती देने के लिए जिंक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जिंक का कोटिंग किया जाता है, वो किससे बचाता है उसको लोहे को, संक्षारण यानी कि जंग लगने से, और उसका जो है आपका संक्षारण होगा तो क्या होगा, उसका ऊपर का जो परत है वो डिके करेगा यानी कि हटेगा, तो संक्षारण और जंग लगने से बचाता है उसको, जो किसका कोटिंग करने से, आपका जिंक का कोटिंग करने से। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है, टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं हम अवतल दर्पण। टॉर्च में किस दर्पण का प्रयोग होता है, इसे कहते हैं अवतल दर्पण। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे बालुई मिट्टी कहा जाता है। जब मृदा में बालू के बड़े कणों का ज्यादा अनुपात रहता है तो इसे क्या बोला जाता है, बालुई मिट्टी, यानी कि जब मतलब मिट्टी में बालू के बड़े बड़े कण दिखेंगे तो उसको कहा जाता है बलुआही मिट्टी, इसको कहते हैं हम लोग यानी कि बालुई मिट्टी। विद्युत प्रतिरोध को किसमें मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध जो आप देखते हैं लाइन जो जो जलता है यानी करंट जो आता है उसको हम ओम में मापते हैं। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिसे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक। विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का, ठीक है, विशिष्ट सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके बनाई गई दवा जिससे अलग अलग रोगों का उपचार किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक, ठीक है। एंटीबायोटिक किसे यूज होता है, आपका शरीर में जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए या कोई भी चीज जैसे कोई जीवाणु उस विषाणु को नष्ट करने के लिए, ठीक है, बीमारियों से जो है उसके शरीर की जो आपका शरीर का जो इंटरनल एंटीबायोटिक है उसको क्या करता है, वो इंक्रीज करता है आपका एंटीबायोटिक जो बनाया जाता है। भूजल का पुनर्भरण, ठीक है, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया द्वारा होता है, भूजल का पुनर्भरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, ये अंत सेनंदन, ठीक है, अंत सेनंदन यानी कि इनफिल्ट्रेशन के द्वारा होता है। भूजल का पुनर्भरण द्वारा से जो भरना इनफिल्ट्रेशन, ठीक है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है, किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है, यह है आपका चालन यानी कि कंडक्शन। किस प्रक्रिया द्वारा लोहे की रॉड के गर्म सिरे से ठंडी सिरे पर ऊष्मा का संचरण होता है, इसे कहते हैं हम चालन यानी कि कंडक्शन। कंडक्शन ऑफ हीट, आप बढ़े होंगे हीट की जो है था उसकी कैसे वो हीट जो है एक जगह से मतलब लो लेवल से हाई लेवल पर जाता है, यानी कि निम्न से ऊंचे स्तर पे जो होता है ऊर्जा का संचरण होना, ठीक है, प्रवाह जिसको बोलते हैं। कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, बायोविडिसाइड्स, ठीक है, क्या कह रहा है आपका, कवक और बैक्टीरिया जैसे जीवों का प्रयोग खरपतवारों को नष्ट करने के लिए किया जाता है, ऐसे जैविक घटक क्या कहलाते हैं, बायोविडिसाइड्स। लकड़ी कागज, ठीक है, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से, लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है, जल अग्निशामक, ठीक है, जो लकड़ी कागज जैसे ठोस ईंधनों के दहन से उत्पन्न आग को बुझाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे सामान्य अग्निशामक कौन सा है, जल अग्निशामक। वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है, किया जा सकता है इन्हें, सॉरी किया जा सकता है उन्हें इनसे संबोधित किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं,
वास्तविक प्रतिबिंब, वे प्रतिबिंब जिन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, इसको कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है, इसका क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सारे जितने हैं सारे बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए अगर आप लोग चाहते हो कि ये चीज़ कंटिन्यू रहे तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करेंगे मैं उतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो करके ये सारा चीज़ जो है आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है, और तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग, दूसरी बात है कि कमेंट सेशन में लिखे भी आपको और किस तरह का क्वेश्चन चाहिए, आप किस तरह का एस्पेक्ट करते हो, तो अपने कमेंट सेशन में ये जरूर लिखें, जरूर से शेयर करें ये चीज़। ठीक है, तो पानी के गिलास में रखा गया एक चम्मच पानी के पृष्ठ पर मुड़ा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, आप ये चीज़ देखे भी होंगे कि हल्का सा वो टिल्ट दिखता है, क्यों दिखता है? क्योंकि वहाँ पर प्रकाश का अपवर्धन होता है। ठीक है, किस जीव में परिसंचरण तंत्र यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता? किस जीव में, यानी कि यह है आपका जीव हाइड्रा, धूम कोहरा। ठीक है, धूम कोहरा जिसको कि हम लोग ऐसे जनरल भाषा में स्मॉग स्मॉग बोलते रहते हैं, जो कि अभी जाड़ा के टाइम में होता है, ये ज़्यादातर जो आपको दिल्ली में बहुत ज़्यादा ये यूज होता है धूम कोहरा। ठीक है, दिखने को मिल जाता है, यूज नहीं सॉरी, धूम कोहरा देखने को मिलता है। ये किसका मिश्रित रूप है? आपका धुआं और कोहरे का, स्मॉग एंड फॉग का। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों का सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखा कर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को कहते हैं निर्जलीकरण। खाद्य वस्तुओं जैसे अनाज और दालों को सामान्यतः सूर्य के प्रकाश में सुखा कर संरक्षित किया जाता है, इस विधि को क्या कहते हैं हम? निर्जलीकरण। ठीक है, निर्जलीकरण, धूपों में सुखा करके उसको रखा जाता है। एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होती क्योंकि इनके होने का कारण क्या है? एंटीबायोटिक प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, इनके होने का क्या कारण है? वायरस। अपरिष्कृत, ठीक है, अपरिष्कृत अपरिष्कृत क्रूड पेट्रोलियम ऑयल किस प्रक्रिया द्वारा परिष्कृत किया जाता है? क्रूड पेट्रोलियम जो होता है, जो कि जिसको आप कच्चा पेट्रोलियम कह लीजिए, और परिष्कृत जो कि आपको फिल्टर्ड किया हुआ नहीं रहता है, उसको परिष्कृत किया जाता है किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। ये भी इम्पोर्टेंट है, कई बार यूपी टेट स्टेट में ये क्वेश्चन आ चुका है, जनरल टीटी में, और ख़ास करके ये क्वेश्चन जो जनरल का जो प्रिपरेशन करते हैं, खास करके जो लो लेवल के जो तैयारी करते हैं कंपटीशन का, उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, तो वो लोग भी देखें इसको। तो प्रभाजी आसवन कहते हैं, उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है। उस रक्षा यंत्र का नाम बताइए जो विद्युत उपकरणों को क्षतिग्रस्त होने से रोकता है, उसको क्या कहते हैं हम? फ्यूज। ठीक है, ये फ्यूज आप लोग ऐसे जनरली जानते होंगे, कहते होंगे फ्यूज फ्यूज क्या होता है, वो क्या करता है? जैसे ही कहीं पे ऐसा कोई पावर डिप हुआ या बढ़ा तो उस कंडीशन में क्या होता है? फ्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? टूट जाता है, और जो आपके घर में जो खतरा होने वाला रहता है उस खतरा से क्या हो जाता है? बच जाता है, मतलब आग लगना इस तरह का कोई भी चीज़, तो उसमें जस्ट उसमें क्या होता है कि जो लाइन का जो प्रवाह यानी कि विद्युत का जो प्रवाह है फ्यूज के टूटने के साथ ही क्या हो जाता है? विद्युत का प्रवाह वहीं पर बंद हो जाता है। पौधों की जड़ों में पाए जाना वाला बैक्टीरिया, ठीक है, पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय रूप में रूपांतरित कर सकता है, जिसे उसका प्रयोग जिससे उसका प्रयोग पौधों द्वारा किया जा सके, इसे क्या बोलते हैं हम? राइजोबियम यानी कि नाइट्रोजन को विलेय के रूप अंतरित करना। ठीक है, वो किसके प्रेजेंस में होगा? आपको राइजोबियम के प्रेजेंस में। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है, ठीक है, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान के बढ़ने पर घर्षण बल बढ़ता है। देखिए, ये वाला भी क्वेश्चन जो है आपको कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो यदि एक वस्तु का द्रव्यमान बढ़ता है तो घर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान के बढ़ने पे घर्षण बल क्या हो जाता है? आपका बढ़ता है। द्रव्यमान जैसे जैसे वजन बढ़ेगा तो घर्षण बल क्या होगा? बढ़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके,
आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये सब लोग जानते होंगे, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, स्कॉर्बिक एसिड। धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है, धूल और चट्टानों के विशिष्ट छल्लों से गिरा हुआ ग्रह कौन सा है, इसे बोलते हैं शनि ग्रह, ठीक है। ये इसमें काफ़ी धूल है और चट्टान काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है, और शनि के चारों ओर जो है आपका छल्ला होता है, उस छल्ले में धूल और चट्टानें होते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया इसमें तेज होती है, कहाँ होती है लोहे में जंग लगता है, कौन से एरिया में, ज़्यादातर उस एरिया में जहाँ के वायुमंडल में नमी ज़्यादा मात्रा में, जैसे आपका तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, या आपका मुंबई वाला एरिया हो गया, या गुजरात का कुछ एरिया हो गया, जो कि समुद्र का तटीय इलाका है या नदी का जो तटीय इलाका होता है, ठीक है, उन सब जगहों में आप देखेंगे ज़्यादातर लोहे में जंग लगता है, ठीक है, क्योंकि वातावरण में जो है आपको आर्द्रता बनी रहती है, यानी कि ह्यूमिडिटी या नमी बनी हुई रहती है। समुद्री हवा किसका परिणाम है, संवहन का, समुद्री हवा किसका परिणाम है, वो संवहन का। छाया बनने का क्या कारण है, छाया किस कारण से बनता है, हम लोगों ने पढ़ा था ये 7th-8th क्लास का ये क्वेश्चन है। प्रकाश की सीधी रेखा में यात्रा करना, जैसे प्रकाश जब सीधी रेखा में बढ़ती है तो जब आप उसके सामने पढ़ते हो तो जस्ट आपके सामने उसका छाया एक प्रतिबिंब बन जाता है, छाया बन जाता है, यानी कि प्रकाश का सीधी रेखा में यात्रा करना। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के, ठीक है, वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं, वायरस। वह सूक्ष्म जीव जो परपोषित जीव के शरीर के अंदर ही प्रजनन करते हैं क्या कहलाते हैं आपको, वायरस, ठीक है। वायरस जो है वो परपोषित जीव के अंदर ही प्रजनन करता है, ठीक है, ये उसका करैक्टर है। जंग किसका ऑक्साइड है, जंग किसका ऑक्साइड है, ये आपका लोहे का ऑक्साइड होता है, ठीक है, जो लोहे में जो जंग लगता है तो उसको क्या कहते हैं, लोहे का ऑक्साइड है। ह्यूमस हम लोग जानते हैं, ह्यूमस क्या होता है, ह्यूमस इसे प्रदर्शित करता है, ह्यूमस जो होता है आपके मृदा के जो ऊपर का जो गहरे रंग का जो जैव पदार्थ होता है उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस समझो खेतों में ज़्यादा यूज किया जाता है एज ए जैविक जो उसको क्या बोलते हैं, जैविक उर्वरक के रूप में, ठीक है, ह्यूमस वही है आपका जैविक उर्वरक। तो ये आपका गहरे रंग का होता है, ठीक है, जैव पदार्थ। जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहते हैं, जब वर्षा जल का इस्तेमाल भूजल के पुनर्भरण के लिए किया जाए तो इसे क्या कहेंगे हम, जल संचयन, ठीक है, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं, जो आजकल काफ़ी यूज में लाया जा रहा है, जहाँ पे भी आपको पानी का बहुत ज़्यादा कमी है या ग्राउंड वाटर जहाँ काफ़ी नीचे हो गया है तो वहाँ क्या किया जा रहा है, लोग जो है तालाबों को बना करके, जो छोटे छोटे नहरों बना करके, छोटे छोटे कुआं बना करके क्या कर रहे हैं, वहाँ पे पानी का संचयन करते हैं ताकि वहाँ पे पानी की कमी को कुछ हद तक, ठीक है, बहुत हद तक क्या किया जाए, पानी की कमी को कम किया जाए। माचिस की तिल्ली को, ठीक है, गिलास पाउडर, ठीक है, माचिस की तिल्ली को गिलास पाउडर और बहुत थोड़ी मात्रा में लाल फास्फोरस, ठीक है, लगी माचिस की डिब्बे पर रगड़ा जाए तथा इस दौरान जो पहली अभिक्रिया होती है, यानी कि माचिस की तिल्ली को एक गिलास पाउडर और थोड़ी सी मात्रा लेंगे हम लाल फास्फोरस लगी माचिस की डिब्बी पे, ठीक है, माचिस का जो डिब्बी होता है उस पर जब हम रगड़ेंगे माचिस के तिल्ली को तो उसमें जो पहली अभिक्रिया होगी उसमें कैसा होगा, लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में परिवर्तित हो जाएगा। जो लाल फास्फोरस जो माचिस की टिकिया पे जो लगी रहेगी वो कन्वर्ट होगी आपका किस में हो जाएगा, सफ़ेद फास्फोरस में, ठीक है, ये अभिक्रिया के बाद होता है, यानी कि लाल फास्फोरस सफ़ेद फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाता है। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है, ठीक है, जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण है, क्योंकि जमीन और गेंद के बीच क्या है, घर्षण है। जमीन पर लुढ़कती गेंद धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है क्योंकि जमीन और गेंद के बीच घर्षण है, ठीक है, ये आप जानते ही होंगे कि जमीन पर जब कोई गेंद जो है लुढ़कते लुढ़कते धीमा हो जाता है और अंत में जाके रुक जाता है, क्यों, उसके कारण है कि जमीन और गेंद के बीच में घर्षण होता है और धीरे धीरे
जो है वो रुक जाएगा अगेन। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, ठीक है। पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी जो घूमता है वो अपने अक्ष में इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है। जो झुकाव है थोड़ा सा पृथ्वी का झुकाव है वो किस लिए है कि पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए, जो झुकाव होता है वो किस लिए होता है आपका, मौसम के परिवर्तन के लिए, पृथ्वी मौसम के बदलने के लिए, जो इसी के कारण से पृथ्वी पे जो है मौसम का चेंज होता है। आवर्धक लेंस यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास, ठीक है, कौन सा लेंस होता है मैग्नीफाइंग ग्लास, कौन सा लेंस होता है, ये होता है आपका अवतल लेंस। मैग्नीफाइंग ग्लास कैसा लेंस होता है, ये आपका अवतल लेंस होता है। कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, कौन सा जीव, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से श्वसन करता है, ये है आपका केंचुआ। जंग लगना, ठीक है, जंग लगना जैसे लोहे पे जो जंग लगता है, लगना कौन सा परिवर्तन है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। जब इसको जंग लगने से बचाने के लिए क्या होता है, जिंक का कोटिंग किया जाता है। अगर जिंक का कोटिंग नहीं करते हैं तो लोहे पे जंग लगता है, लोहा से क्या होता है, लोह ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया है, यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है, क्या, बेलन घर्षण। एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है बेलन घर्षण, ठीक है, एक सतह पर चलती हुई गेंद इसका उदाहरण है आपका बेलन घर्षण। नेत्र दोष से पीड़ित व्यक्ति आसपास की वस्तुओं को नहीं देख सकता लेकिन बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता है, इस तरह का व्यक्ति किससे पीड़ित है, ठीक है। अब दूर की वस्तु को देख सकता है लेकिन नज़दीक की वस्तु को नहीं देख सकता है तो वो किससे पीड़ित है, दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष से, जिसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। एक होता है हाइपोमेट्रोपिया, इसमें होगा आपका नज़दीक का दृष्टि दोष। एक होता है दूर की दृष्टि दोष, एक होता है आपका नज़दीक का दृष्टि दोष। नज़दीक की दृष्टि दोष में नज़दीक का चीज़ देख सकते हैं आप, दूर का चीज़ नहीं देख सकते हैं, ठीक है। ये मना जो नज़दीक दृष्टि दोष होता है उसमें आप दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते हैं और नज़दीक की चीज़ों को आप देख सकते हैं। वह प्लास्टिक जिनका कोई रंग नहीं होता और भोजन संग्रह करने में प्रयोग की जाती है क्या कहलाता है, वो ल्यूकोप्लास्ट। यानी कि जो घरों में जो बहुत सारा अच्छे क्वालिटी, ठीक है, अच्छे क्वालिटी का जो प्लास्टिक होता है जिसमें कि भोजन संग्रह यूज करते हैं, ठीक है, तो बहुत सारा जो प्लास्टिक होता है मार्केट में जो कि अच्छा नहीं होता है, लेकिन जो घरों में बहुत, ठीक है, जो यूज होता है खास करके जो आपका फूड प्रोडक्ट्स को उसमें हम लोग रखते हैं, खाना वगैरह रखते हैं, कच्चा मटेरियल्स रखते हैं, वो किसका बना होता है, वो आपका ल्यूकोप्लास्ट का बना होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ओके, तो सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। नमक के घोल में सकारात्मक आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, नमक के घोल में सकारात्मक, ठीक है, आवेशित कणों को क्या कहा जाता है, धनायन, ठीक है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा कपीदार बादल जो है जमीन पर पहुंच जाता है क्या कहलाता है। एक प्राकृतिक परिघटना जिसमें आसमान से एक गहरा बादल, कपीदार आप छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिंपल सा पानी, एक गहरा कपीदार या एक गहरा जो है काफ़ी क्या बोलते हैं बालू वाला, यानी या जिसको कह सकते हैं आप बिल्कुल, उसमें बहुत ज़्यादा बालुओं का कण रहता है, जो बालू वाला कण वाला जो बादल यानी कि कण वाला यानी कि मिट्टी वाला जो बादल होता है वो ज़मीन पर पहुँच जाता है वो क्या कहलाता है, बवंडर, जिसको दूसरा नाम बोलते हैं हम टोर्नेडो। जब एक पदार्थ गर्म हो जाता है तब इसकी कणों की गति क्या हो जाती है, इसके गति में ऊर्जा बढ़ जाती है। जब एक पदार्थ गर्म होता है तब इसके कणों की गति की क्या हो जाती है, ऊर्जा बढ़ जाती है। ओके, थर्मामीटर में पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि, थर्मामीटर जो ऐसा हम लोग जानते हैं, जब आप लोग जब बीमार पड़ते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मामीटर चेक करो, थर्मामीटर के अंदर क्या रहता है, Hg यानी कि पारा, और पारा क्या होता है, वो ऊष्मा का सुचालक होता है, ना कि कुचालक। तो वो जैसे ही उसको ऊष्मा मिलेगा पारा क्या करेगा, फैलेगा, ठीक है, इसलिए थर्मामीटर में
पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो ऊष्मा का सुचालक होता है। सीएनजी गैस का मुख्य संघटक क्या है, ये भी कई बार पूछा गया है, ये है आपका मेथेन। अभी मैंने जितने भी आपको क्वेश्चंस कर रहा हूँ ये बता रहा हूँ, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं आप यूपीटेट एसटेट और ऑल्टीएट, ठीक है, और जुलाई में भी जो सीटेट आएगा सबके लिए इम्पोर्टेंट है। और जनरल का जो प्रिपरेशन करते हैं, जो रेलवे वगैरह का भी करते हैं, उसमें भी इस तरह का क्वेश्चन जनरल साइंस से रिलेटेड पूछता ही पूछता है, तो ये बेसिक है बट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आप मुझे कि जनरल साइंस में, तो ठीक है, तो इस तरह का मैं चलिए लास्ट में मैं बोलूँगा। एक विद्युत सेल में कितनी टर्मिनल होते हैं, एक विद्युत सेल आप लोग देखेंगे उसमें एक ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव होता है, ठीक है, यानी कि दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और निगेटिव, धनायन और ऋणायन। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, उसको मैनोमीटर कहते हैं। तरल दबाव को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण कौन सा है, मैनोमीटर। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है, मादा एडीज मच्छर। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है, मादा एडीज मच्छर, ये काफ़ी फेमस है, कई बार पूछा गया है, यानी कि मादा एडीज मच्छर आपका डेंगू वायरस का होता है। प्रतिबंध दर्पण के पीछे, ठीक है, प्रतिबंध दर्पण के पीछे बना है, प्रतिबिंब सीधा और समान आकार का है, यह प्रतिबिंब इसके द्वारा मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है, ये आपका है समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण जैसे ऐनक हो गया, जो मिरर हम लोग डेली यूज में जो देखते हैं उसमें क्या सामने एकदम सीधा और समान आकार का होता है, जैसे हम देखते हैं वैसे ही उसमें भी दिखता है, तो वही है आपका समतल दर्पण। वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है, वायु का वेग को मापने के लिए प्रयोग किए जाने वाला उपकरण क्या कहलाता है आपका, एनीमोमीटर, यानी कि सिंपल सा, वायु का वेग हम किससे मापते हैं, एनीमोमीटर से। पवन के चलने का मुख्य कारण क्या है, पवन जो चलता है जिसको कहते हैं हवा, वायु जो चलता है उसका मुख्य कारण है पृथ्वी का असमान ताप, ठीक है, पृथ्वी पे जो असमान ताप है, कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं कम गर्मी है, कहीं ज़्यादा धूप है, कहीं कम धूप है, कहीं ज़्यादा ठंडा है, कहीं कम ठंडा है, ये असमान ताप होता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है, यानी कि जो टेम्परेचर है वो अलग अलग होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग चींटी के काटने के प्रभाव को बेअसर करने के लिए किया जाता है, जब चींटी काटती है तो उस टाइम हम बेकिंग सोडा का यूज करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि जो चींटी जब काटता है तो उसकी जब काटने के साथ उसके जो त्वचा में लार में जो पहुंचता है, मतलब उसके लार में जो रहता है और जो हमारे त्वचा में जो पहुंचता है उसका नाम है फॉर्मिक एसिड, यानी कि फॉर्मिक एसिड जब चींटी काटता है तो वो फॉर्मिक एसिड हमारे स्किन के अंदर यानी त्वचा में छोड़ देता है, तो उसके माने उस डंक जो होता है थोड़ा असहनीय होता है, तो उस डंक को कम करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, बेकिंग सोडा। लाइकेन इसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है लाइकेन, सहजीवी संबंध, ठीक है, सहजीवी संबंध उदाहरण है, एग्जाम्पल है इसका लाइकेन। अग्नाशय रस का क्या काम करता है, अग्नाशय रस क्या काम करता है, अग्नाशय रस का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन और वसा को सरल पदार्थों में विभाजित करता है, कार्बोहाइड्रेटेड प्रोटीन और वसा को क्या करता है, वो सरल पदार्थों में विभाजित करता है। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया, थॉमसन अल्वा एडिशन, ये सिंपल हम लोग बोलते हैं एडिशन ने किया। रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है, रक्त में उपस्थित कौन सी कोशिका जो है रोगाणुओं से लड़ने में मदद करती है, इसको बोलते हैं सफेद रक्त कोशिका, जिसको बोला जाता है WBC, ठीक है, ये आपके शरीर के अंदर रोगाणुओं से लड़ने में मदद करता है। पित्तरस जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किसके द्वारा निर्मित होता है, पित्तरस, ठीक है, जिसको भी पित्तरस जो आपको आमाशय में पहुंचता है, ठीक है, जो मानव शरीर में वसा के पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यह किसके द्वारा निर्मित होता है, ये आपका यकृत के द्वारा, जिसको भी लीवर बोलते हैं, लीवर के द्वारा आपका पित्त रस का निर्माण होता है, और ये क्या काम करता है, आपका वसा को पचाने में काम आता है, ठीक है।
हृदय गति को मापने के लिए, हृदय गति को मापने के लिए डॉक्टर द्वारा इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। किस यंत्र का माप करते हैं हम लोग? स्टेथोस्कोप का। ठीक है, तो ये आपका हो गया इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अराउंड मुझे लगता है 30-40 होंगे, अराउंड 30-40 क्वेश्चन के आसपास होंगे ये। इसको आप लोग ज़रूर से देखिए और ज़रूर से इसको पढ़िए, और हो सके तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन और हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें से इतना है कि एक दो से तीन क्वेश्चन तो पाँच भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं और भी लाऊँगा, तो आप लोग जो है इस मेरे वीडियो के साथ बने रहें और अपडेट आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना कमेंट एंड शेयर जरूर डालें इसमें, अपना कमेंट मेरे साथ शेयर कीजिए। कैसा लगा आपको ये वीडियो, किस तरह और क्या आप चाहते हो, क्या आप इसमें और आप नया चाहते हो, किस तरह का और होना चाहिए, और किस तरह का आप और क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हो मेरे से, तो आप वो चीज़ अपना शेयर जरूर से ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड के बीच में भी इसको आप शेयर करें। ठीक है, आप मुझे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, इन सबों पे भी आप शेयर कर सकते हो। फेसबुक पे आप सिंपल मनीष कुमार जायसवाल के नाम से या मनीष कुमार से भी सर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मनीष कुमार से शेयर कर से देख सकते हो, एंड ट्विटर पे भी मनीष कुमार से आप के नाम से सर्च कर सकते हो। अन अकेडमी पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, वहाँ भी आप शेयर कर सकते हो। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास जो है मैं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट। आप फिर कल मिलते हैं इसी के तरह, ठीक है, और इसी इम्पोर्टेंट कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इम्पोर्टेंट जो एमसीक्यू होंगे उनके साथ कल कोशिश करूँगा मैं आपका अराउंड 1 आवर का सेशन लेने का। ठीक है, तो आप लोग जो है ज़रूर से देखें, अगर हो सकता है कि मैं भी कल मैं लाइव भी आऊँ इसी पे यूट्यूब पे, तो आप लोग मेरे साथ बने रहेंगे। ठीक है, तो मैं अगर कल मैं लाइव आता हूँ तो लाइव जो है मैं शाम के 3 बजे से आऊँगा। ठीक है, 3 से 4, तो आप लोग ज़रूर से आ करके जुड़ें मेरे साथ, देखें। ठीक है, और काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होगा, और इम्पोर्टेंट क्या है, सारा इम्पोर्टेंट का इम्पोर्टेंट ही रहेगा। अभी आपका स्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर दिसंबर में हुआ तो हुआ, नहीं तो अभी चूंकि बिहार स्टेट का जो है ये कोर्ट में केस लगा हुआ है, अगर ये इधर 20-22 दिन में फैसला आ जाता है तो इवन ये फरवरी में एग्ज़ाम ले लेगा, या इवन हो सकता है जनवरी में भी ले ले, नहीं तो फिर मार्च जाएगा। ठीक है, यानी कि फरवरी मार्च में हो ही जाएगा वो पेपर, तो आपके पास समय है और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए क्वेश्चंस बनाने का, और मेरे साथ बने रहें। ठीक है, इसी के साथ चलिए, बाय बाय, थैंक यू, गुड नाइट।